तो सावित्री से दमयंती सेन ने कहा है कि बेटी तू किसी काम से आई है, अपना काम बता। तो सावित्री एक बात के द्वारा के फरियाद करने लगी, भला ओए फल लेने की इच्छा करके सैरी सुत तेरा बने खंड की हवा खाने जाने ने जी कर रियाज मेरा काम कोई करता तो रोक दिया भी जाता। ईसा पुरुष ना चाहिए रोकना जो अपना परने ने भाता। हाथ जोड़ के अर्ज करूं सू तम तो खुख सुख के सोदाता। हाथ जोड़े के अर्ज करूं सुन तुम सबके दाता। पहलम कहूं सू नाडियो मतना पहलम कहूं सू नाडियो मतना ना ते होगा दर्द घने की हवा जान जान ने जी कर रास मेरा ले ले की सकर के जा सरी सत तेरा बन खंड की हवा खान जान ने जी कर रास मेरा बन खंड की हवा कली में अपने सास ससुर के पैर पकड़ के और के विनती करने लगी, भला थारी आज्ञा बिन कदे ऊपर ने मैं नहीं कर सकती। बिना पति के एक घड़ी भी चैन नहीं कर सकती। थारी आज्ञा बिन कोई काम दिन रैन नहीं कर सकती। पर
पति का बिछड़ना आज पल भर भी मैं सहन नहीं कर सकती। सेन सावित्री के सिर पर हाथ टेक के और आशीर्वाद दे के कहने लगा कि बेटी आज तक तने कोई सवाल नहीं करया और आज तने सवाल करया है तो कैसे इजाजत देता भला। सवाल करियाना बेटी जी
किस दिन ते तू आई, लक्ष्मी चंदने साव तेरी की कथा प्रेम से गाई। राजा बोलिया जा बहु कर ले अपने मन की चाही। राजा बोलिया जा बहु कर ले अपने मन की चाही। तेरी आज्ञा ले कचाल पड़ी भाग। सुनिए आखिरी भाग नंबर 4 में।